Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture, we had learned chapter number 4 history of India art. And in this part of the chapter, we had learned about the Indian tradition of performing arts, traditions of performing folk arts, then tradition of classical performing arts. Then now, today we are going to learn the next part of this chapter. Then now, listen carefully. देर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के दो ब्रांचेस वहाँ पर बताए जाते हैं द फर्स्ट ब्रांच इज़ हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड कर्नाटिक म्यूज़िक सिमिलरली देर आर टू फॉर्म्स ऑफ इट तो एक है हिंदुस्तानी म्यूज़िक और दूसरा है कर्नाटिक म्यूज़िक तो इनके भी दो ऐसे सिमिलरली फॉम फॉर्म्स वहाँ पर बताए जाते हैं नंबर वन क्लासिकल दैट मीन शास्त्रीय एंड सेमी क्लासिकल दैट मीन्स उप शास्त्रीय ऐसे दो फॉर्म्स यहाँ पर बताए जाते हैं द सेमी क्लासिकल हैज़ इंक्लूडेड मैनी स्टाइल्स ऑफ फोक म्यूज़िक तो जो सेमी क्लासिकल्ट uh, मतलब फॉर्म है जिसमें uh, कुछ म्यूज़िक स्टाइल्स वहाँ पर बताए जाते हैं बहुत से सारे मतलब uh, जो फोक म्यूजिक स्टाइल हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं उससे पहले हम देखते हैं डू यू नो द रूलर ऑफ़ बीजापुर इब्राहिम शाह शाहकेंड रोट अ टेक्स्ट इन अ पर्शियन लैंग्वेज एंड टाइटल किताब ए नौराश तो जो इब्राहिम अदिल शाह हैं सेकेंड उसने वो बीजापुर का वहाँ पे रूलर था जिसने एक टेक्स्ट लिखा एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब ए नवरास, जो पर्सियन लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी दिस टेक्स्ट इज़ अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक तो ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में था इट इंक्लूड इनक्लूड्स वर्सेस संग इन अ ध्रुपद स्टाइल एंड एनेबल्स द ऑडियंस टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ एक्सलेंट पोइंट्री तो इसमें जो मतलब ध्रुपद स्टाइल में गाए गए ऐसे वर्सेज थे काव्य थे ये उन्होंने ऑडियंस के यानी लोगों के लिए मतलब लोगों को एन्जॉय करने के लिए ये वहाँ पर डाले हुए थे डॉक्टर अरुण प्रभु ने हैज़ एन टाइटल दिस टेक्स्ट इन मराठी तो ये जो टेक्स्ट है उसे अरुण प्रभु ने उन्होंने मराठी में कन्वर्ट किया द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्स प्रिंटेड ऑन द कवर ऑफ दिस टेक्स्ट रीड एज फॉलोज तो ये जो ट्रांसलेशन मराठी में किया गया था वो उसका जो कवर था वो कुछ इस तरह से बताया गया है ओ मदर सरस्वती यू आर द डिवाइन लाइट इन द वर्ल्ड एंड यू आर कंप्लीट विथ ऑल क्वालिटीज़ तो जिसमें बताया गया था कि हे hey, माँ सरस्वती आप एक दिव्य प्रकाश हो पूरी जगत के लिए और हर एक गुणों से भरे हुए हो इफ़ इब्राहिम रिसीव योर ग्रेस दैट मीन्स ब्लेसिंग अगर इब्राहिम आपकी ब्लेसिंग आपको इब्राहिम को आपका आशीर्वाद मिलता है तो द पोएट्री ऑफ द नवरास विल बिकम इटरनल तो ये जो पोएट्री है नवराश की वो हमेशा चलेगी रहेगी देन अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस कैन बी सीन इन वेरियस इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म लाइक कथक ऑफ नॉर्थ इंडिया देन लावनी ऑफ मराठा महाराष्ट्र देन उड़ीसी ऑफ उड़ीसा देन भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु एंड कथकली एंड मोहिनी अट्टम ऑफ केरला तो ये डांस स्टाइल्स वहाँ पे बताए गए हैं अलग अलग मतलब रीजन के इंडिया के रीजन के यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ दिया गया है जो महाराष्ट्र की लावनी का है और नीचे यहाँ पे केरला की कथक कली वाला फोटो बताया गया है इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड वेरियस फेस्टिवल्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस आर ऑर्गेनाइज विद द्यू ऑफ मेक इट एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल तो कॉमन पीपल को की जानकारी के लिए बहुत से सारे ऐसे डांस शोज़ वहाँ परफॉर्म किए जाते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड से वहाँ पर स्टार्ट हुए जो म्यूज़िक और डांस को ऑर्गेनाइज किए जाता है मैनी पीपल अटेंड दिस फेस्टिवल्स इंक्लूडिंग इंडियन एंड फॉरिनर्स लाइक तो इंडियन और फॉरेनर्स ये दोनों ऐसे फेस्टिवल्स को वहाँ पर अटेंड करते हैं द सवाई गंधर्व फेस्टिवल ऑफ़ पुणे इज़ द फेमस वन जिसमें सवाई गंधर्व ये पुणे का जो फेस्टिवल है बहुत ही ज़्यादा फेमस है लेटली वी कैन सी एंड इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटिंग एंड क्रिएटिंग फ्यूजन ऑफ वेरियस म्यूजिक स्टाइल तो Uh, हाल ही में हम इस म्यूज़िक स्टाइल में और डांसिंग स्टाइल में कुछ फ्यूजन्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मतलब कुछ मिक्सिंग इन स्टाइल्स की करके एक नया डांस स्टाइल और क्लासिक म्यूज़िक स्टाइल वहाँ पे बनाया जाता है बाय ट्राइंग टू ओवरकम द लिमिटेशंस इम्पोज बाय द ट्रेडिशंस ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ़ स्कूल्स पंडित उदय शंकर इज़ अ प्रोमिनंट नेम अमंग सच आर्टिस्ट हु क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल तो ये सारी स्टाइल को लेकर एक नए स्टाइल बनाने में पंडित उदय शंकर ये जो है वो एक <coughs> बहुत ही एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऐसा नेम आगे आता है ही सक्सेसफुली क्रिएटेड अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड यूरोपियन ओपेरा तो इंडियन क्लासिकल डांस और यूरोपियन ओपेरा ये उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली क्रिएट किया हुआ एक फ्यूजन इंडिया में दिखाई देता है देन ही अल्सो इंक्लूडेड वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोक डांसेस इन ही स्टाइल तो उन्होंने बहुत से सारे फोक डांसेस अपने स्टाइल में वहाँ पे बताए हैं दस द स्कोप ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन फॉर्मिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स सीम्स टू बी कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग तो इसी तरह से मतलब ये जो परफॉर्मेंस है प्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहे हैं द सेम फिनोमिन इज़ एपरेंट इन द फील्ड ऑफ द इंडियन विजुअल आर्ट्स तो इंडियन विजुअल आर्ट्स में भी इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं देन आर्ट अप्लाइड आर्ट अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले आर्ट आर्ट हिस्ट्री इज़ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज तो आर्ट हिस्ट्री ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है नॉलेज की वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ रिसर्च एंड अवेलेबल इन द फील्ड तो इस फील्ड में बहुत सी सारी रिसर्च वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आर्ट आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म. तो आर्ट हिस्टोरियन ये जो है वो जर्नलिज्म की फील्ड में काम कर सकते हैं आर्ट मार्केट इज़ एन इंडिपेंडेंट फील्ड आर्ट मार्केट ही एक इंडिपेंडेंट फील्ड है इट कॉल कॉल्स फॉर स्पेशल एक्सपर्टाइज टू एक्स इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और टू इंश्योर दैट इट इज़ जिन जेन्यन तो जिसमें कुछ स्पेशल ऐसे एक्सपर्टाइज आते हैं और इस आर्ट की वैल्यू के बारे में बताते हैं जिसके जो ऑब्जेक्टिव्स है और उसके अंदर की जो जेन्यून चीज़ें हैं वो सारे एक्सपोज करते हैं एंड एक्सपर्ट विथ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क तो इस टास्क को करने के लिए एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत वहाँ पर गिरती है जो डीप अंडरस्टैंडिंग से इस आर्ट हिस्ट्री को करते हैं देन हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज़्म आर रिसेंटली डेवलप्ड फील्ड तो हेरिटेज मैनेजमेंट और कल्चरल टूरिज्म ये हाल ही में आ, मतलब डेवलप ऐसी फील्ड बताई जाती है इन दिस फील्ड स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट कैन फाइंड मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ तो इन फील्ड में आ, बहुत सी सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट को मिलती हैं देन म्यूज़ियम एंड आर्किवज मैनेजमेंट लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्क्योलॉजिकल रिसर्च इंटोलॉजी आर सम इम्पोर्टेंट फील्ड इन दिस रिगार्ड तो इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फील्ड बताए गए हैं ये जिससे मतलब जो पीपल हैं वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं अप्लाइड आर्ट द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट आर प्राइमरीली लुक अपॉन एज द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल तो ये जो आर्ट है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं द आर्टिस्ट परफॉर्म प्राइमरि विध दिस परपजस और जो आर्टिस्ट हैं वो इसी परपज़ के लिए उसे परफॉर्म करते हैं हाउ एवर देर इज़ अ स्कोप टू कम्बाइन एंड आर्टिस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन विद यूटिलिटी वैल्यू ऑफ मेक इट टू मेक इट इकोनॉमिकली वायबल तो जिसकी वजह से ये मतलब एक अर्थार्जन का एक स्रोत भी वहाँ पे बनता है दस एन आर्टिस्ट क्रिएशन विथ यूटिलिटेरियन परपज़ इज़ कॉल अप्लाइड आर्ट तो इस तरह का आर्ट जो जिसका क्रिएशन यूटिलिटेरियन के लिए होता है मतलब कुछ ना कुछ यूज़ उस आर्ट का होता है वो इकोनॉमिकली होता है और एंटरटेनमेंट के लिए होता है उसे ही अप्लाइड आर्ट कहा जाता है इंडस्ट्री एंड एडवरटाइजमेंट इंटीरियर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट आर्ट डिज़ाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स दैट मीन्स नैफ्टा आर्ट डिज आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म एंड टेलीविजन्स क्रिएटिंग एट्रेक्टिव ले आउट ऑफ बुक्स एंड मैगजींस कैलिग्राफी प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स देन इन्विटेशन कार्ड्स कस्टमाइज स्टेशनरीज गिफ्ट ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा आर द फील्ड ऑफ अप्लाइड आर्ट्स तो ये सारी फील्ड अप्लाइड आर्ट्स की बताई जाती है द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर फोटोग्राफी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ अप्लाइड आर्ट तो आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी ये भी अप्लाइड आर्ट में आते हैं नाउ डेज स्टील एंड graphics ग्राफिक्स क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आर यूज फॉर वेरियस परपजेज तो जिसमें अब कंप्यूटर ग्राफिक जो किया जाता है एनिमेटेड ग्राफिक्स वहाँ पे बताए जाते हैं जैसे कार्टून्स वगैरह होते हैं वो भी अलग अलग पर्पस के लिए वहाँ पे बनाए जाते हैं ये भी अब मतलब अप्लाइड आर्ट्स में ही आते हैं दिस इज़ अल्सो अप्लाइड आर्ट देन ऑर्नामेंट्स आर्किटेक्चर आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ

तो जिसमें डिटेल प्लानिंग और एक मेटिकुलस ऐसा मैनेजमेंट हर एक प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे होता है इट इज़ इसशियल टू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के लिए बहुत ही जरूरी है ट्रेन एंड स्किल इंडिविजुअल्स एट एवरी स्टेज हर एक स्टेज पे ट्रेन और स्किल इंडिविजुअल्स वहाँ पे चाहिए होते हैं सम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैव हिस्ट्री ऑफ सर्टन ट्रेडिशंस द डेवलपमेंट ऑफ इच प्रोडक्टिव प्रोसेस हैज़ इट ओन हिस्ट्री तो हर एक मतलब जो प्रोडक्टिव प्रोसेस होती है उसकी अपनी अलग सी एक हिस्ट्री होती है और उससे वो डेवलप होते जाता है हेंस द सिलबी ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेस ऑफ आर डिज़ाइन इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस तो इसी वजह से जो सिलियाबी हैं वो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग कोर्सेस और अलग अलग तरह की डिज़ाइंस इस तरह की वैरायटी वाली आ, मतलब जो कल्चरल ट्रेडिशन है और आ, वेरियस इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल हिस्ट्री ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल है जिसमें यूज़ करते हैं देर आर अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया विच ऑफर टेक्निकल एंड ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग इन द अबो मैंशन फील्ड तो ऊपर दिए गए फील्ड में मतलब स्किलफुल uh, ऐसे मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग uh, और अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले कुछ बहुत ही थोड़े से ऐसे इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर हैं अमंगदेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इन अहमदाबाद तो अहमदाबाद के अंदर एक मतलब इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है और साथ साथ में गुजरात में भी है जो बहुत ही रिनोन ऐसा इंस्टीट्यूट बताया जाता है दिस इंस्टीट्यूट हैज़ इंट्रोड्यूस एंड ऑनलाइन कोर्सेज सिंस टू थाउजेंड फिफ्टीन और इसी इंस्टीट्यूट में टू थाउजेंड फिफ्टीन से ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए जाते हैं इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न अबाउट मास मीडिया एंड हिस्ट्री तो आगे के लेसन में हम मास मीडिया और हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेने वाले हैं आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क यू कैन आस्क मी ओके बाय